गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करा था, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ करा था। और क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जो दोनों एटम्स हैं उनकी आपका सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है, और जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सेंटर में फॉर्म आउट होते हैं। हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो अलग अलग तरह के एटम्स कंबाइन करके एक आपका मॉलिक्यूल फॉर्म करें। हेटरो मींस डिफरेंट, और यहाँ पे जब हमारे पास ये जो आपके अलग अलग तरह के आपके जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जो कि आपके फॉर्म कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इन दोनों की आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू में भी अंतर होगा। यानी कि आपके जो दो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। जिस एलिमेंट की, जिस एटम की आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, अधिक होती है, उसकी तरफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स झुके रहते हैं, और जिस एटम की आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू कम होती है उसकी तरफ आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स झुके रहते हैं। हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके इफेक्टिव इसका कॉम्बिनेशन होगा ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें कि आपके सिमिलर एनर्जी रहे और उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो और उनमें आपका सेम सिमेट्री हो इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास एक आपके जनरल कंडीशंस हैं हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम आपका बात करते हैं तो यहाँ पे हम आपका 1s2 हमारा आपका बनेगा। यहाँ पे हमने आपके एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स को हमने आपके यहाँ पे ड्रॉ करा। नाउ क्योंकि हमारे पास अगर हम देखते हैं तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी जो है आपके दूसरे एलिमेंट के जो एटम है उसके आपके एटम से थोड़ी सी आपके लोअर होती है। अब ये जो लोअर एनर्जी है इट मींस कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो आप देखेंगे ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये इस साइड पर चुका हुआ है। नाउ सिमिलरली जो 2p ऑर्बिटल है वो भी हमारे पास आपका इसी तरह से रहेगा और ये हमारे पास आपका इस तरह से आपके ये बन गए हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दैट इज कि क्या हुआ कि आपका एक आपका जो है s का ऑर्बिटल, दूसरा आपका s ऑर्बिटल और इन दोनों ने कंबाइन करके ये हमने आपका सिग्मा बनाया। यहाँ पे ये हमारा सिग्मा एस्टेरिक हो गया। दिस इज योर पाई 2p वाई, हम इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू पाई 2p जेड। और ये जो हमारे पास ये है दिस इज योर पाई सिग्मा 2p एक्स हमारे पास। इसी तरह से जो एंटी बॉन्डिंग से ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे कौन से रहेगी पाई एस्टेरिक 2p वाई इज इक्वल टू पाई एस्टेरिक 2p जेड। और यहाँ पे जो आपके एंटी बॉन्डिंग होगी ये हमारी हो जाएगी सिग्मा एस्टेरिक 2p जेड। तो इस तरह से हमारे पास आपका जो है अब ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है इसमें आपका दो एटम्स जिसकी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और दूसरे जिसकी कम है, तो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है लेवल का वो हमें शो करता है कि उस कंपाउंड में आपका आयनिक कैरेक्टर की डिग्री को शो करता है, उस कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। जैसे कि हमने आपका होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से हेटरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, दैट इज कि बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर को एक हम आपके जनरल फॉर्मूला से लिख सकते हैं BO मींस बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इससे हम आपका बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे HF मॉलिक्यूल की, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की। यहाँ पे जो हमारे पास आपके जो है फ्लोरीन में का अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं
तो क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2 एंड 2p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। और हाइड्रोजन जो है उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अब यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और जो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल है, लगभग समान तो हम नहीं कहेंगे, आपका फ्लोरीन की आपके थोड़ी सी आपके लो होगी, क्योंकि होमो में हम आपका कहते हैं हमें लगभग समान ऊर्जा वाले ही चाहिए, वो हम आपकी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें समान ऊर्जा के ही आपके परमाणु कक्षक होते थे, जहाँ पे होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। हिट्रो में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फर्क है, तो आपका जो जिसकी आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है उसकी एनर्जी आपके स्लाइटली लो होगी। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास जो आपका है, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल्स है, ये हमारे आपके मिक्स आउट होके आपके हमें आपका बनाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नाउ अब यहाँ पे पूछा गया मतलब कि 1s और 2s ऑर्बिटल्स जो है ये हमारे आपका HF मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, 2p ऑर्बिटल जो है वो हमारा आपका पार्टिसिपेट करेगा। और 2p ऑर्बिटल में हमने यहाँ पे इस तरह से आपका ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2+ यहाँ मैं पर पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में भी 2 और एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड रह जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का 1s1 है तो ये हमारा 1 आ गया। अब क्या होगा कि जो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनकी जो आपका ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपका एंट्री लेते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी की इक्विवेलेंट आपके रहती है। तो ये हमारे कौन से हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये वाले जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिग्मा ऑर्बिटल में जाएंगे और इस तरह से हमारा जो है HF मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म आउट होता है। नाउ यहाँ पे हम आपका देखते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 0/2 = 2/2 = 1। यानी कि HF मॉलिक्यूल में हमारे पास आपका एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म आउट होगा। इसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल आता है वो मॉलिक्यूल आता है हमारा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल की अगर हम आपका बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो डायग्राम्स है वो हमारे पास आपके बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जिस तरह से कि हमने आपका होमोडायटॉमिक के लिए फॉर्म आउट करे थे। नाइट्रिक ऑक्साइड में पहले आपका जो है नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और कैसे करेगा, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो हमें सबसे पहले जब हम यहाँ पे ड्रॉ आउट करेंगे तो हम यहाँ पे आपका ये 1s का हम आपका ड्रॉ करेंगे और ये 1s का मेरे हमारे पास दोनों के किसका, ये नाइट्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा 1s हो गया, 1s, तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा एस्टेरिक 1s, तो दोनों के पास आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे पास 1s के हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त है। इसके ऊपर हमें आपका बनाना है 2s का, क्योंकि 2s की जो एनर्जी होती है वो आपके 1s से अधिक होती है, तो 2s में भी हमारे पास दोनों के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे पास इस तरह से हमारा आपका फॉर्म आउट हो गया, दिस इज सिग्मा 2s और ये हमारा सिग्मा एस्टेरिक 2s फॉर्म। नाउ अब 2p डायग्राम जो बनेगा, 2p के लिए कैसे होगा, 2p के लिए हमारे पास जो डायग्राम होगा वो हमारा इस तरह से होगा कि यहाँ पे हमें आपका वही बनाना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे जिस तरह से हमने आपका नाइट्रोजन का जब डायग्राम इसका दिख रहा था होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, उसी तरह से आपका जो है यहाँ पे भी रहेगा, पाई ऑर्बिटल जो होगा वो हमारा आपका लो एनर्जी का रहेगा एज कम्पेयर टू सिग्मा के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स है,
नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2p3 होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, और ऑक्सीजन में हमारे पास ये 2p ऑर्बिटल है, और ये ऑक्सीजन का 2p, और 2p में ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो हमारा इस तरह से हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो गए। ये आपके हमारे कौन कौन से हो गए, ये हमारे आपके हो गए हैं पाई 2p1 एंड विच इज इक्वल टू पाई 2p6, और ये हमारा आपका सिग्मा का हो गया, दिस इज योर सिग्मा 2px का हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग में भी हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स रहेंगे, कौन कौन से, पाई एस्टेरिक 2py इक्वल टू पाई एस्टेरिक 2pz, ये हो गया, और यहाँ पे ये हमारा जो हो गया दिस इज योर सिग्मा एस्टेरिक 2px हमारे पास है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो यहाँ पे पहले आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर दूसरा सेकेंड इसमें गया, थर्ड क्योंकि ये यहीं पे जाएगा, फोर्थ इधर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम आपके यहाँ पे काउंट करते हैं तो 3+4 इज इक्वल टू 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो एक जो हमारा है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में जाए। अब इसमें अगर हम आपका बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, अगर हम आपके बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2+2, 4+2, 6+2, 8, तो 8 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं 2+1 = 3, दैट इज 8 - 3/2, 5/2, और ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर इसका है 2.5। नाउ अब इससे हमें यहाँ पे आपका ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा होगा ये हमारा आपका पैरा मैग्नेटिक होगा, ये हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम आपका बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि हमने आपका होमो में लिखा था, दैट इज σ1 = 2, σ*1 = 2, σ2 = 2, σ*2 = 2, देन कम्स पाई, पाई 2py2 विच इज इक्वल टू पाई 2pz2, देन σ2px2, फिर इसके बाद हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। हम इसको इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। इसको हम आपका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1s वाले जो हैं इसको हम आपका लिख दें Ka, दैट इज K शेल, और फिर आगे का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारा सेम। इसके बाद हमारे पास आपका जो मॉलिक्यूल आता है दैट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी हमारे पास आपका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है उसको भी हम आपका इसी तरह से लिखेंगे, और जो हमारे पास आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनेगा वो भी हमारे पास इसी तरह से हमारे फॉर्म आउट होंगे। नाउ अब इसमें क्या है, कार्बन जो है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है आपका 8। नाउ अब कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के 1s2 2s2 and 2p 2 हो गया, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 and 2p 4, इसका आपका बचेगा। दैट इज के ऑक्सीजन के केस में हमारे पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, और कार्बन में हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे पास आपका इस तरह से हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ अब अगेन हमारे पास वही है, हम इसे फिल करेंगे, 1s के साथ फॉर्म करेगा, 2s के साथ फॉर्म करेगा, और 2p जो है वो हमारा आपका 2s हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन एटम का हो गया, ये 2p है वो 2p के साथ कंबाइन करेगा,
और ये हमारा ऑक्सीजन का नंबर। नाउ अब कैसे पहला मैट्रिक्स टोटल नंबर 2 प्लस 1 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, पहले आपका पाई ऑर्बिटल में, पाई 2PY में, देन पाई 2PZ में, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा वापस से आपका पेयरिंग हो जाएगा पाई 2PY में, देन पाई 2PZ में पेयरिंग होगा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2PX में एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन भी हमारा यहाँ पे चला जाएगा। नाउ अब इसका जब आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपका 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 एंड 2 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 2, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा हो गया 6 बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 3, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय भी हम आपका उसी तरह से लिखेंगे, पहले हम आपका 1s का लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्लैश 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्लैश 2s2, देन पाई 2PY2, पाई इज इक्वल टू पाई 2PZ2, देन सिग्मा 2s2, और इसमें क्योंकि हमारे पास आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा है ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हमारे जो है हेट्रो जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है हम इसको आपका यहाँ पे शो आउट कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह से हम इसको डायग्राम्स को शो कर सकते हैं। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एडवांटेज है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अनुसार आपका जो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की वजह से ही हम आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है उसको हम आपका एक्सप्लेन कर सके हैं। जबकि हम आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वहां उससे हम आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर को हम आपका शो नहीं कर सकते। इसी तरह से हम आपका ये बता सकते हैं कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आयन जो है उसको हम आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो अगर आपका निकल जाता है तो हमारे पास आपका बॉन्ड ऑर्डर उसका हो जाएगा 2 रह जाएगा, और जब 2 रह जाएगा तो हमारे पास आपका स्टेबल कॉन्फिग्रेशन हमारा उसका हो जाएगा। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो कुछ सिमिलरिटीज है वो ये है कि दोनों ही जो आपका है आपका कोवेलेंट बॉन्ड के इंटरप्रिटेशन को शो करते हैं। इसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 एटम्स जो हैं वो आपके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल जो हमारे बन रहा है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास आपके कंपेरेबल एनर्जी की होनी चाहिए, यानी कि लगभग समान ऊर्जा की होनी चाहिए। आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वैलेंस बॉन्ड जो ऑर्बिटल थ्योरी है दोनों ही आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को आपका शो आउट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा आपका बेस है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, और जबकि यहाँ पे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमारा इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे हमारा ये आपका बेस्ड है। नाउ इसके बाद हमारे पास आपका एक और का जो इसमें डिफरेंस है वो डिफरेंस ये पे कि यहाँ पे जब हम आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर हम आपका जब बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जबकि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका जो बॉन्डिंग के जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसकी आइडेंटिटी लूज आउट नहीं होती है। आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये आपका पॉलीसेंट्रिक होता है, जबकि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये आपका जो है मोनोसेंट्रिक रहता है। थैंक यू।